हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। टिकट बंटवारे को लेकर अशोक तंवर कुछ समय से पार्टी आलाकमान से नाराज चल रहे थे। अशोक तंवर ने 5 करोड़ रुपए में टिकट बेचे जाने का आरोप भी लगाया था। आज उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए अशोक तंवर ने इस्तीफा देने की जानकारी दी है। हाल ही में अशोक तंवर ने कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर सभी जिम्मेदारियों से मुक्त करने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा था कि मैंने पार्टी को सभी समितियों और जिम्मेदारियों से राहत देने के लिए अनुरोध के साथ सोनिया गांधी को एक पत्र भेजा है। मैं एक साधारण पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम करना जारी रखूंगा। हालांकि पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने से पहले उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने का ऐलान किया था और कहा था कि वो प्राथमिक सदस्य के तौर पर पार्टी के माध्यम से जनता की सेवा करते रहेंगे, लेकिन अब उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि हरियाणा में 21 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव है और मतदान के बाद 24 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें SPN9 News पर। हर्ष की रिपोर्ट।